बताएंगे, डंके की चोट पे खड़े होकर बताएंगे, मस्जिद के स्पीकर में खड़े होकर बताएंगे कि तुम इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है मालीज और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब के चैनल पे। आज जो वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है ये आरजे रौनक के चैनल की है। उनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी ताकि आप लोग जाकर उनके चैनल को भी फॉलो कर लें। इस वीडियो में इन्होंने केरला स्टोरी के ऊपर ही कुछ रिव्यूज दिए हैं। मैंने वीडियो नहीं देखा है क्योंकि मैं आपका इंतजार कर रही थी कि आपके साथ ये वीडियो देखा जाए। तो चलें इस वीडियो को देखते हैं, मगर वीडियो पे जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, बड़ी फिल्में दो तरह की होती हैं। एक बड़ी फिल्म वो होती है जिसकी स्टार कास्ट बड़ी होती है, जिसका बैनर बड़ा होता है और जिसका बजट बड़ा होता है, और दूसरी बड़ी फिल्म वो होती है जिसका सब्जेक्ट बड़ा होता है। और सिर्फ अपने सब्जेक्ट की वजह से वो फिल्में बड़े बजट की और बड़े स्टार्स की तमाम फिल्मों से भी बड़ी हो जाती है। और ये कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं है कि द केरला स्टोरी एक ऐसी ही बड़ी फिल्म है। इस फिल्म को हमने देखा और पूरे भरोसे के साथ ये कह सकते हैं कि ये फिल्म पूरे देश में इमोशंस का सैलाब लाने वाली है। ये एक ऐसी चर्चा शुरू करने वाली है जिसकी हमने आज तक जरूरत ही नहीं समझी। एक ऐसी फिल्म जो हमारे दिल और दिमाग को झकझोर कर रखती है। तो क्या कहती है ये फिल्म और क्यों है ये इतनी खास, आज के फनतंत्र में हम उसी पर विस्तार से बात करेंगे, अपना ओपिनियन देंगे। और नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, मैं हूं रौनक, फनतंत्र में आपका स्वागत है। जब से केरला स्टोरी का ट्रेलर रिलीज हुआ है तब से इस फिल्म को लेकर लगातार हंगामा मचा हुआ है। कुछ लोगों का कहना था कि कश्मीर फाइल्स की तरह ये फिल्म भी एक ऐसा काला सच सामने लाएगी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वहीं ऐसे लोग भी थे जिनका मानना था कि ये एक प्रोपोगंडा फिल्म है, मगर 2 घंटे 18 मिनट की ये फिल्म को बड़े करीब से देखने के बाद मैं ये भरोसे के साथ कह सकता हूं कि फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया जो झूठ। फिल्म केरल की 3 ऐसी लड़कियों की कहानी है जो अलग अलग शहरों से नर्सिंग का कोर्स करने आती हैं। वहां उनके हॉस्टल में मुस्लिम लड़की उन्हें एक मिलती है। इसके बाद फिल्म में सिलसिलेवार तरीके से दिखाया गया है कि कैसे वो लड़की मजहब के नाम पर इनका ब्रेन वॉश करती है, इन्हें बताती है कि तुम्हारा भगवान कमजोर है और वो खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकता, सिर्फ इन्हीं का भगवान हम सबको बचा सकता है। इनको अपने मुस्लिम दोस्तों से मिलवाती है जो इनके प्रेम का झूठा नाटक करते हैं। चेहरे मोहरे से और शरीफ दिखने वाले ऐसे लड़कों का काम ही यही है कि वो ऐसी कमजोर लड़कियों को अपने प्यार में फंसाते हैं, फिर इनसे फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, उन्हें प्रेग्नेंट तक कर देते हैं ताकि वो उनसे शादी के लिए मजबूर हो जाए और फिर शादी के नाम पर उन्हें कन्वर्ट किया जा सके। और इसके बाद उनके साथ बहुत कुछ होता है जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। उसका ब्यौरा मैं यहाँ पर नहीं दूंगा, उसके बारे में बात नहीं करूंगा, आप थिएटर में जाकर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिल्म में एक जगह पीड़ित लड़की सीनियर पुलिस ऑफिसर के सामने रोते हुए शिकायत करती है कि किस तरह प्यार के नाम पर गैर मुस्लिम लड़कियों को फंसाया जा रहा है। वो बताती है कि इसके लिए क्या क्या हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। अपनी शिकायत में वो केरल के पूर्व सीएम का हवाला देते हुए भी ये कहती है कि अगर केरल में यूं ही कन्वर्जन चलता रहा तो 20 सालों में केरल एक इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। अब जो भी लोग फिल्म की ऑथेंटिसिटी पर बात करते हैं उन्हें मैं ये बता दूं कि इन आंकड़ों में कुछ भी गलत नहीं है। अगर केरल में हम कन्वर्जन के लव जिहाद के मामलों पर नजर डालें तो आपके पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी। यहां मैं एक एक करके वो तमाम फैक्ट्स रखने वाला हूं जिससे शायद ऐसे लोगों को तसल्ली मिल सके जो फिल्म को फेक बताने लगे, ठीक है। बाकी उनकी ओपिनियन में भी जरूर बदलाव आएगा इन चीजों को देखने के बाद। पर ओपिनियन से याद आया, प्रोबो एक ऐसा ऐप है जहां पर आप ओपिनियन देकर, यस या नो में ओपिनियन देकर खूब सारा पैसा कमा सकते हैं। कई सारे टॉपिक्स हैं जहां पर आपको सिर्फ यस या नो में ओपिनियन देना है। डिस्क्रिप्शन में प्रोबो ऐप का लिंक दिया है, इस ऐप को डाउनलोड करो। अब इस फिल्म की हम बात कर रहे हैं द केरला स्टोरी मूवी, क्या लगता है, एक सवाल उससे भी जुड़ा वहां पर है कि क्या अपने रिलीज के पहले दिन 8 करोड़ या उससे ज्यादा की ये कमाई कर पाएगी फिल्म। सिर्फ यस या नो में आपको अपना ओपिनियन देना है, क्वांटिटी बढ़ा के इन्वेस्ट करना है और आप पैसे जीत सकते हो, और अगर जीते तो गूगल पे और पेटीएम वगैरह से पैसा आपको मिल भी जाएगा। इसलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके प्रोबो ऐप को डाउनलोड करो। फिल्म पे वापस आते हैं। देखिए, फिल्म जिस लव जिहाद और कन्वर्जन की बात करती है वो कोई हवाई मामला नहीं है। आपको बता दूं, खुद केरल हाईकोर्ट ने 9 दिसंबर 2009 में शाहीन शाह वर्सेस केरला स्टेट के सामने ये कहा था कि अलग अलग जगहों से एक साथ इतने सारे केसेस देखकर लगता है कि गैर मुस्लिम लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है, राज्य में लव जिहाद या रोमिया जिहाद जैसा कुछ चल रहा है। खुद केरल एसटीएफ ने 5,000 ऐसे मामलों का जिक्र किया है जिसमें प्यार के नाम पर हिंदू या क्रिश्चियन लड़कियों को कन्वर्ट किया गया।
खुद केरल के मुख्यमंत्री ओमान चंडी ने केरल विधानसभा में एक रिपोर्ट पेश करते हुए बताया था कि 2006 से 2012 तक केरल में 7,713 ऐसे मामले बताए गए जिसमें केरल के नागरिक इस्लाम में कन्वर्ट हुए। कन्वर्ट होने वालों में ज्यादातर लड़कियां और महिलाएं थी जिन्हें शादी की वजह से इस्लाम कबूल करना पड़ा। 2021 में केरल के प्रमुख कैथोलिक बिशप ने कहा कि अगर कोई इंसान कहता है कि केरल में लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं है तो वो सच्चाई से मुंह मोड़ रहा है। बिशप ने यह बताया था कि किस तरह केरल में लव जिहाद और नारकोटिक जिहाद के नाम पर गैर मुस्लिम युवाओं को टारगेट किया जा रहा है। इससे पहले 2015 में केरल की कैथोलिक बिशप काउंसिल के मुखपत्र में छपी एक रिपोर्ट में बताया गया कि किस तरह 2005 से 2012 के बीच 4,000 क्रिश्चियन लड़कियों को कन्वर्ट किया गया। और तो और केरल में मौजूद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सिरो मालाबार चर्च, जी हाँ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कैथोलिक चर्च ने क्रिश्चियन लड़कियों के कन्वर्जन पर अपनी चिंता भी जताई। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ केरल, मैंगलोर या भारत में ही हो रहा है। कुछ दिन पहले इंग्लैंड की होम मिनिस्टर ने भी प्यार के नाम पर लड़कियों को कन्वर्ट करने के पैटर्न पर चिंता जाहिर की। अरे फैक्ट्स इसलिए रखे हैं ताकि आप ये जान सकें कि अगर केरला स्टोरी लव जिहाद झूठे प्यार के नाम पर कन्वर्जन की बात करती है तो ये कोई हवा हवाई बात नहीं है। अगर केरल कम्युनिस्ट पार्टी के सीएम कहते हैं कि केरल 20 सालों में इस्लामिक स्टेट बन सकता है तो आप इसे कैसे इग्नोर कर सकते हैं? अगर केरल की एसटीएफ लव जिहाद जैसे हजारों मामलों की बात करती है तो आप उसे कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? अगर केरल बिशप, वहां की सबसे बड़ी चर्च, ईसाई धर्म के मुखपत्र अगर लव जिहाद और कन्वर्जन पर डर जताते हैं तो आप इसे खारिज कैसे कर सकते हैं? आप इसे हवा हवाई कैसे बता सकते हैं? और बड़ी बात यह है कि केरल के सीएम से लेकर वहां की चर्च तक ये ऐसे लोग हैं जिन्हें चाहकर भी आप बीजेपी या संघ का नहीं बता सकते हैं। और हकीकत तो यह है कि केरल आज भी ऐसा स्टेट है जहां घुसना बीजेपी के लिए सबसे मुश्किल है। इसलिए फिल्म अगर हिंदू या क्रिश्चियन लड़कियों को लव जिहाद के नाम पर फंसाने की बात करती है तो उसे किसी की साजिश बताकर खारिज मत करिए। उस सच को जानिए, उस हकीकत को समझिए, खुद को उसके लिए तैयार कीजिए। अब अगर कोई ये कहता है कि ये फिल्म तो भड़काती है या किसी एक धर्म को गलत तरीके से दिखाती है तो उस पर तो भैया मैं बस इतना ही कहूंगा कि बतौर आर्टिस्ट आपकी पहली और आखिरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सच दिखाने को लेकर होती है। अगर उस सच को देखकर कोई हर्ट हो रहा है तो उसमें सच दिखाने वाले की कोई गलती है क्या? आप बताइए। सच दिखाने वाला ये सोचकर सच को थोड़ा हल्का करके तो नहीं दिखाएगा ना कि गोरखपुर में बैठा किसी आदमी को वो सच देखकर बुरा ना लग जाए। उससे भी बड़ी बात, आपको तो ये सच देखकर अगर बुरा लग रहा है तो एक बार जरा सोचिए उन लोगों के बारे में जिनके साथ ये सब बुरा हुआ है। अगर आपको किसी के साथ बुरा होने की परवाह नहीं है लेकिन अपने बुरा लगने की परवाह ज्यादा है तो आप किस तरह के इंसान है वो आप खुद ही सोचिए। फिल्म के सीन में लव जिहाद में धोखा खाई लड़की अपने फादर से ये पूछती है कि पापा आपने हमें कभी हमारे कल्चर के बारे में नहीं बताया। मुझे लगता है ये सवाल इस पूरी फिल्म का सार है, इस पूरी फिल्म की सीख है। आज आप अपने बच्चों को खुश करने के लिए आप बताइए एक से एक महंगे स्कूलों में उन्हें डालते हैं, दुनिया की हर खुशी देते हैं, पैसा देते हैं ताकि वो खुश रहें, मगर क्या कभी ये सोचा है कि आपने कभी उन्हें बिठाकर अपने पास ये बताया कि बच्चों तुम क्या हो, जिस धर्म में तुम पैदा हुए हो वो धर्म क्या है, उसकी ताकत क्या है, क्यों उसे दुनिया का सबसे पुराना धर्म कहा जाता है। मैं ये नहीं कहता कि कुछ रिलीजन की तरह आप सिर्फ ये दिखाओ कि नहीं हमारा ही धर्म सबसे महान है, मगर आपका धर्म क्या है, उसकी क्या खासियत है, उसकी क्या हिस्ट्री है, हिंदू होकर जो आप मानते हैं वो क्या मानते हैं, वो सब उन्हें बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए? अगर आप बिना आध्यात्मिक तैयारी के, धार्मिक शिक्षा के बच्चों को बड़ा करेंगे तो वही होगा जो इस फिल्म में इन तीन लड़कियों के साथ हुआ। फिर कोई भी धोखेबाज आपसे आपके धर्म के बारे में सवाल करेगा, ये बताने की कोशिश करेगा कि आपका धर्म तो कमजोर है और आप उसे काउंटर नहीं कर पाओगे। मैं फिर ये कहता हूं कि आपको अपने लॉजिक से, अपने तर्कों से किसी और के धर्म को नीचा नहीं बताना है, लेकिन अपने धर्म की इतनी समझ तो पैदा करनी चाहिए ना ताकि कोई आपके धर्म को नीचा ना बता पाए। और एक बार आपकी और आपके बच्चों की वो तैयारी होगी तो कोई भी उन्हें प्यार के नाम पर, अपनी रिलीजियस सुपीरियरिटी के नाम पर मूर्ख नहीं बना पाएगा। मेरे लिए फिल्म का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि खुद को और अपने बच्चों को अपने धर्म की शिक्षा जरूर दीजिए, उसे उसकी इंपॉर्टेंस और उसकी अच्छाइयां जरूर बताइए। वापस फिल्म पर लौटूं तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर को अच्छे से पता था कि कुछ लोग इस फिल्म में दिखाई कहानी की ऑथेंटिसिटी पर सवाल खड़े करेंगे, इस पूरी की पूरी समस्या को ही वो खारिज करने की कोशिश करेंगे। इसलिए फिल्म के आखिर में उन्होंने उन लोगों के बयान सुनाए हैं जिनकी जिंदगी पर यह फिल्म बनी है, ताकि कुछ लोगों को यह ना लगे कि डायरेक्टर ने हवा हवाई बात कर दी। और फिल्म के एंड में ही आपको ये देखकर बहुत बुरा भी लगता है कि जिन बच्चियों के साथ ये गलत काम हुआ उनके गुनहगार आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। एक लड़का जो फिल्म में लड़की को धोखे से प्रेग्नेंट कर देता है, उसका असली किरदार, मतलब जो रियल लाइफ में वो लड़का है, वो अब भी केरल में पिज्जा शॉप चला रहा है। अच्छा, कुछ लोग ये भी शिकायत कर रहे हैं कि अरे फिल्म के टीजर में ये कैसे कह दिया कि 30,000 लड़कियों को बरगलाया गया है, उन्हें धोखा दिया गया है। तो ऐसे लोगों को मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि भैया जिस गुनहगार लड़के की जिंदगी पर फिल्म बन गई, जिसका गुनाह इतना बड़ा था कि पर्दे पर वो आ गया, जिसकी लाइफ पर फिल्म वालों ने घंटों की रिसर्च कर ली, और जब वो लड़का केरल में खुलेआम घूम सकता है तो बाकी हजारों लड़कियों की तो कौन ही सुनेगा।
और जब उनकी सुनेगा ही नहीं और उनकी कहीं FIR दर्ज नहीं होगी तो असल आंकड़ा सामने कैसे आएगा। फिर भी जिन लोगों को सबूत चाहिए तो एक छोटा सा काम करो, YouTube पर केरला स्टोरी पर बने किसी भी वीडियो पर चले जाइए और देखिएगा वहाँ टॉप कमेंट किसका है। आपको हर टॉप कमेंट में यही लिखा मिलेगा कि यस आई एम अ केरलाइट एंड आई कैन से इट इज़ अ ट्रू स्टोरी। हाँ, मैं केरल का रहने वाला हूँ और मैं कह सकता हूँ कि एक सच्ची कहानी पर बनी है। पूरा YouTube इन कमेंट से भरा पड़ा हुआ है। इसके बावजूद अगर आपको लगता है कि केरल के तीन तीन मुख्यमंत्री झूठे हैं, केरल हाईकोर्ट झूठी है, केरल STF झूठी है, जिन तीन लड़कियों पर फिल्म बनी है वो झूठी हैं और सिर्फ आप ही सच्चे हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि चूहे के सामने अगर बिल्ली आ जाए और चूहा आँख बंद कर लेना तो उससे बिल्ली चली नहीं जाती, वो उसे खा जाती। Okay, what an amazing video. इस मूवी के ऊपर मैं काफ़ी वीडियोस बना भी चुकी हूँ, बात भी कर चुकी हूँ और इस पे जो कंट्रोवर्सी बनी है कि 32,000 लड़कियाँ नहीं थी ये वो, दैट इज़ नॉट द पॉइंट। द पॉइंट हमको अब पता चल गया है, मैं तो बार बार बोल के थक गई हूँ कि भाई ये चीज़ पूरी दुनिया में हो रही है और हम औरतें जो होती हैं, ख़वातीन जो होती हैं, वी आर इमोशनल बींग्स, हमको प्यार चाहिए और हमको सबसे हमको सबसे ज़्यादा कंट्रोल ही इसी तरह से किया जा सकता है और लड़के करते भी हैं कि आपको प्यार के उसमें झांसे में फंसा कर एंड देन वंस दे हैव यू वेयर दे वांट यू दे कैन मेक यू डू एनीथिंग। सो इसमें तो मैं भी इसकी विक्टिम रह चुकी हूँ। और दूसरा पॉइंट जो उन्होंने ये मेंशन किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपने बच्चे को अपना रिलीजन या अपनी कल्चर के बारे में क्यों नहीं बताते हो। जैसे कि मेरी बच्ची को किसी भी रिलीजन के बारे में नहीं पता है, मगर मेरी माँ ने मुझसे कहा कि नहीं, इसको कोई स्पिरिचुअलिटी हो, कोई चीज़, कोई आइडिया इसके दिमाग में तुम्हें डालना पड़ेगा, क्योंकि जब बच्चों के दिमाग में कुछ भी नहीं होता है उनको सबसे ज़्यादा ये लोग टारगेट करते हैं, क्योंकि दे वांट द मीनिंग ऑफ लाइफ, हमारा पर्पस क्या है लाइफ में, तो वो आते हैं आपको बताते हैं आपका पर्पस ये है कि आप अल्लाह को सर्व करें, अल्लाह के पीछे जान दें, जिहाद करें, ये चीज़ करके ब्रेन वॉश करके बच्चों के अंदर डाल देते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने बच्चों को एक तो अपने करीब रखें, ये देखें कि उनके दोस्त कहाँ हैं, किसके साथ वो हैंग आउट कर रहे हैं, उनके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कौन है, इन सब चीज़ों पे आपको निगाह रखनी पड़ेगी। एंड आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि जब एक बालक बच्चा होता है 18 प्लस हो जाते हैं तो वो अपनी मर्जी करते ही करते हैं, एंड समटाइम्स यू लर्न दीज लेसन्स दैट आर वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट। हम डिसीजन ऐसी ले लेते हैं अपनी लाइफ में और उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस को हमको हमेशा फेस करना पड़ता है, बट इट्स अ हार्श रियलिटी, इसको आप छुपा नहीं सकते हो, चाहे जितने लोग भी उसको बोलें कि ये प्रोपोगेंडा मूवी है, प्रोपोगेंडा मूवी है, इसके पीछे का जो आइडिया है, इसके पीछे की जो रियलिटी है, दैट इज नॉट अ प्रोपोगेंडा। और इन्होंने जो बात की है कि यूट्यूब के चैनल्स पे अगर आप जाओ, जितने भी मैंने वीडियोस देखे हैं उसके नीचे लिखा हुआ है कि यस ये चीज उसके नीचे ये लिखा हुआ है कि ये चीज केरला में होती रही है, हो रही है। और इन्होंने भी कहा, ऋषि सुनक में भी ये बात बोली थी कि ग्रूमिंग गैंग्स जो इंग्लैंड के हैं वो फेमस हैं, वो कितने सालों से चल रहे हैं, आई हैव हर्ड लाइक प्रॉब्ली 30-40 ईयर्स से वो चीज चल रही है। सो दिस इज द ट्रूथ, दिस इज द रियलिटी। लोग अपनी आंखें बंद करके दूसरी तरफ देख लेना चाहते हैं, दैट इज समथिंग स्टूपिड आई थिंक। आप अगर अपने अंदर की कमियों को जब तक जानोगे नहीं तो आप उसको फिक्स कैसे करेंगे। तो ये आपकी कम्युनिटी का एक बहुत ही बहरूपिया रूप है जिसको आपको देखना पड़ेगा और इसको सुधारना पड़ेगा। आई नो इट्स एन अगली ट्रूथ, बट वी हैव टू शो द फेस ऑफ दिस अगली ट्रूथ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। एनीवेज गाइज, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, उसके साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे ज्यादातर वीडियो जो हैं वो डीमोनेटाइज हो जाते हैं, तो आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखती है और इस यूट्यूब के चैनल को चलाने में हमारी बहुत मदद करती है। तो आप यूट्यूब के थ्रू हमारे मेंबर बने, आप पेट्रियन के थ्रू हमारे मेंबर बन सकते हैं, ओनली फैंस में मेंबर बन सकते हैं, या आप मुझको बाय मी अ कॉफी पे कॉफी या पिज्जा खरीद के दे सकते हैं। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली PayPal के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है।